सीधा डॉक्टर सतीश प्रकाश के पास चलता हूँ। सतीश प्रकाश जी, कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, कभी मुहूर्त पे उठा दिया जाता है, कभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उठा दिया जाता है। मैं जानना चाहता हूँ क्या वाकई सेक्युलर गैंग जो कह रहे हैं सुनील चोपड़ा जी, जिसने संविधान बनाया, जिसने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, वो कभी राम मंदिर चाहता था? नहीं, देखो दीपक जी, जो आस्था गैंग है इस देश में, उसने इस देश के संविधान को कभी माना ही नहीं। वो हमेशा, अभी महंत राजू जी ने जो बात कही वालों ने माना था, उन्होंने कहा कि देश के संविधान से ऊपर जिनके साथ आप खड़े थे। आप सुनिए ना, अब आपकी डिबेट में बोला है ना कि आपकी डिबेट में बोला है ना कि इस देश के संविधान से बड़ी आस्था है, और अगर आस्था के आधार पर ही सब चीजों का निर्णय लेना चाहते हो तो आप कर लीजिए, मंदिर बना लीजिए। किसी राजनीतिक दल ने सवाल थोड़ा ही उठाया है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि मंदिर की तिथि को लेकर या मंदिर के मुहूर्त को लेकर यह सवाल किसी राजनीतिक दल की तरफ से नहीं आया, या मुस्लिम पक्ष की तरफ से नहीं आया, या किसी सेकुलर व्यक्ति की तरफ से नहीं आया। यह किसी धार्मिक व्यक्ति का उठाया हुआ सवाल है।